आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े शायर नदीम भाभा साहब, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी पसंदीदा गज़ल आज हमें अनायत फरमाएं। अरे वाह, पाकिस्तान के सबसे छोटे प्यारे से बच्चे अब्दुल्ला सईद के लिए मैं अपनी वो गज़ल सुनाता हूँ जिस पर मुझे मतलब एजाज होता है ना, जब आपका सीनियर आपको मतलब मोहब्बत से खड़े होकर आपको चूम करता है। तो खालिद अहमद साहब हमारे उस्ताद भी थे, उनसे हमने सीखा भी, बहुत बड़े शायर, बड़े शायर, समझने वाले, समझ कर पढ़ने वाले शायर। तो जब ये गज़ल मैंने उन्हें सुनाई तो उन्होंने दिल खोल कर दाद दी थी। तो बस अब आपको सुनाते हुए मैं सोचूंगा यही कि मैं खालिद अहमद साहब को सुना रहा हूँ कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो मासूम हो जाता है। दिल से एक याद भुला दी गई है, किसी गफलत की सजा दी गई है। दिल से एक याद भुला दी गई है, किसी गफलत की सजा दी गई है। ऐब दीवार के होंगे जाहिर, मेरी तस्वीर हटा दी गई है। मैंने मंजिल की दुआ मांगी थी, मेरी रफ्तार बढ़ा दी। अब यहां से नहीं जा सकता कोई, अब यहां शम्मा जला दी गई है। मैंने एक दिल पे हुकूमत चाही, मुझे तलवार थमा दी गई है। अब मोहब्बत का सबब वहशत है, वरना हसरत तो मिटा दी गई है। इसलिए जम के यहां बैठा हूं, मुझको मेरी ही जगह दी। दिल से एक याद भुला दी गई है, किसी गफलत की सजा दी गई है। तो ये वो गजल थी जिसने मेरा एतमाद बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, और ये मेरी पहली गजल थी जो बहुत जगह फैली और मशहूर हुई। इसका बतौर खास ये शेर जो है, ऐब दीवार के होंगे जाहिर, मेरी तस्वीर हटा दी गई। तो ये वो की फरमाइश भी पूरी, पापा की भी हुक्म पूरा हो गया, ते हुण आप पता है कि अपनी गल्लां